मैं समझता हूँ कि ये चीजें जिनको आगे फरोग देने की जरूरत है, इसके अलावा आपने मकामी मसाइल की बात की। इस हल्के में, इस इलाके में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेट्रो बस बनी है, ये लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन हुई है, शंघाई फ्लाईओवर बना है, लाहौर जिले हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई है, इधर आप चले जाए तो माजरे मिलत रोड बनी है, आपकी मरियम कॉलोनी को कनेक्ट करती है जो वहाँ के इलाके को कनेक्ट करती है, वहाँ पे पहले कनेक्टिविटी थी नहीं, ड्रेनेज नहीं था, इतनी चीजें यहाँ पे बनी है, यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है जो कि टियानजिन यूनिवर्सिटी है चाइना के ताबुन के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। मसाइल यहाँ पे मकामी है, गलियों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं जिनको हल करना जरूरी है, गैस के मसाइल हैं। तो मैं तो अब मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहता, मेरी क्या था मुझे कहेगी कि मैं उनको कहूंगा जी बहुत शुक्रिया, मेगा प्रोजेक्ट्स हमने बहुत किए, उसका बहुत फायदा हुआ है, मगर हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं साफ पीने का पानी मिले, हम चाहते हैं सीवरेज का निजाम ठीक हो, हम चाहते हैं गैस आए, हम चाहते हैं जो गलियां हैं वो पक्की हो, ये चीजें हैं जो हम तरजीही और हंगामी बुनियादों पर करना चाहते हैं और ये होनी चाहिए। तो मकामी मसाइल का तो मैं अब आपको गिन के बता सकता हूँ कि कौन सी गली में कौन सा मसला मौजूद है और उसके हल करने की सलाहियत भी हमारे में है, क्योंकि बयाबुल मुद्दत जरदारी साहब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म भी हुई, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, 10 से ऊपर उम्मीदवार नहीं है पंजाब असेंबली के, और बाकी भी किसी का मुझे चांस नजर नहीं आता, कैंपेन वो कर ही नहीं रहे। मुझे बता दें कितनी दफा कोई और उम्मीदवार बहार कॉलोनी आया या उसने ये दौरा किया है कि वो आपको आके पूछे या मसाइल पूछे यहाँ के या यहाँ पे चक्कर लगा ले। मैं तो डे वन से बहार कॉलोनी में मौजूद हूँ, मरियम कॉलोनी में मौजूद हूँ, फ्रांसिस कॉलोनी में मौजूद हूँ, मैं जहां जहां मसीही बसते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला, जो रिसोर्सफुल लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो तो अपनी मैयत लेके गोरा कब्रिस्तान चले जाते हैं, वहां पे दफना देते हैं, माड़ा बंदा किधर जाएगा, वो कहाँ पे दफनाएगा। ये मैं गुजर रहा था कब्रिस्तान से, अब वहां पे लाइटें लग गई हैं, वो काफी एरिया बेहतर हो गया है। तो मैं अपनी लीडरशिप को भी कहा, हमने शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई थी मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के लिए कि काना में ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम होगा, घर से मैयत को लेके जाएंगे सरकार और वहां पे तफ्तीन की जाएगी, जगह मुख्तस है, पिछली गवर्नमेंट ने आगे उसको खत्म कर दिया। अब शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई इसलिए थी कि शहरों में कब्रिस्तान अब नहीं बनने चाहिए, शहरों में कब्रिस्तान बनेंगे तो यही होगा, 5 साल बाद फिर लोग उठेंगे, वो कहेंगे जी देखे जी ये तो कब्रिस्तान अब खत्म हो गया और जगह लेके दें। तो ये शहर दुनिया भर में कब्रिस्तान मुहज़्ज़िब मुल्कों में शहर से बाहर होते हैं, लोग ट्रैवल करके जाते हैं सेमेट्रीज में जाके अपने मुर्दों को दफनाते हैं, प्यारों को दफनाते हैं। तो ये शहर खामोशा अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी, उसका एक मकसद था, उसको कंटिन्यू करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी लैंड का जो इशू है वो हम सरकार से करवाएंगे, सरकार ना कर सकी तो मैंने 2-3 लोगों से बात की है, हम ग्रेवयार्ड का लैंड आपको लेके देंगे। तो बस ये मसाइल के हवाले से बस यही मिली। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी अहम बात है, स्पेशली जो लोग पढ़े लिखे हैं जो बात ही से शुरू करेंगे, चाहे जो इदारों की बात थी, और ये ख्याल के पाकिस्तानी मसीहियों की पसमानदगी की जिम्मेदार सारी सियासी जमातें हैं, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ इसलिए हूँ कि हमारी तारीख पसमानदगी की जो शुरू होती है, बहरहाल वो हम जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें कि क्यों ये नेबरहुड्स बने कैसे हैं, ये नेबरहुड्स सेग्रीगेटेड क्यों है, आपने सिविल राइट्स मूवमेंट का हवाला दिया, अमेरिका में जो हमारे जो जिनको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं जो काले हैं उनकी जो आबादियां हैं कैसे वो नेबरहुड्स जो आबादियां, और सिर्फ माइनॉरिटी एक जो जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो सिर्फ मसीही हैं जिनकी आबादियां हैं और कोई भी अकलियत आबादियों की शक्ल में नहीं रहती, और आबादियों की जो सूरत हाल है मसाइल है वो बहरहाल एक सियासी मसला था, कैसे जुदागाना इंतखाबात हुए, जुदागाना इंतखाबात के नतीजे में सिर्फ नुमाइंदों के पास वोटर के पास हक था कि सिर्फ अपने मजहब का नुमाइंदा वो चुन सके, और उससे एक बहुत बड़ी जो जिसको आपने कहा कि हम आहंगी का फुकदान है, मजहबी हम आहंगी अगर अहले किताब है सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बातें हम बहुत सुनते हैं बहुत अमली तौर पर, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी बुनियादी बिल्कुल मकामी सतह पर और अभी हम जो बैन अल-अक़वामी जो है वो मजहबी हमांगी का ये हफ्ता भी चल रहा है, तो क्या वजह है कि अभी तक जो पाकिस्तानी मसीही हैं और हम ये देखते हैं कि मजहब का तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो क्योंकि बाकी मजाहब के भी लोग हैं उनके साथ छूछात का रवैया नहीं है, उनके साथ हम देखते हैं कि खास
सेक्टर में एक सैनिटेशन के काम में एक बहुत बड़ी तादाद है एनजीओ की, और उनके साथ अभी हम लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ खाली लाहौर में, और ये 2019 का जो डेटा है उसके मुताबिक 9,000 के 9,000 जो वर्कर्स थे वो मसीह थे। जाहिर है कि तादाद अभी 13,000 के करीब तादाद है। तो ये जो स्ट्रक्चरल किस्म की चीज़ें हैं, आपको आपका क्या ख्याल है? और ये जो मसाइल भी हैं, हमने जो मसाइल आपने बताए हैं हमने डेटा में देखा है, सबसे बड़ा मसला गैस का है, उसके बाद साफ पानी है, उसके बाद ये लोड शेडिंग है, फिर उसके बाद टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज है, तो वो सारे मसाइल जो खुद आप देख चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में या आप जैसे अगर गैर रिवायती सियासतदान आए तो ये जो आबादी होगी, और ये अभी के मसले नहीं है, ये तमाम मसाइल और बुनियादी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये किसी मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान एक बुनियादी जरूरत है। अगर किसी मसीह आबादी में तो सरकारी स्कूल नहीं है, और सरकारी स्कूल जैसे आपने कहा कि जो मिशनरी इदारे हैं उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो था, लेकिन हम जो बात भूलते हैं कि वो मसीही मिशनरीज थे, वो गोरे थे जिनका वो कॉन्ट्रीब्यूशन था। और ये भी भुट्टो साहब को ये क्रेडिट इस बात का जाता है कि उन्होंने वो वाहिद एक चीज जिससे मसीहियों की पसमानदगी दूर हो सकती थी वो ले लिए। और ये एक बात वोटर के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी शायद ये चूंकि मैं थोड़ी सी पोजिशन एक पार्टी से हट के भी, और ये मेरी जाती राय है, इसका मेरे इदारे से या पार्टी की उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं देख रही थी कि कैंपेन में बहुत ज्यादा इस बात को पीपल्स पार्टी की भी कैंपेन में कि ये जो इदारे हैं, ये इदारे 72 में जब लिए गए और मिशनरीज को एक्सपेल करना यहाँ से, अभी भी हमारे पास जो जितनी बहुत पाकिस्तानी मसीहों के पास थोड़ी सी जो स्पेस थी जिससे उनको तालीम मिल सकती थी, उनके पास हेल्थ की सहूलत थी, वो ले ली गई। और मिशनरीज के जाने के बाद, यहाँ से निकाले जाने के बाद, जो सबसे बड़ा धचका और जिससे तालीमी पसमानगी जो है, ये बहरहाल क्रेडिट उस जमात को जाता है जो बहुत इस बात के दावेदार है कि यहाँ पर हम एक प्रो माइनॉरिटी हैं। तो शायद होंगे, बिल्कुल हो सकता है सिंध में उन्होंने बड़ी कोई बाकी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ये एजुकेट, ये कम से कम तारीखी हकायक जो है वो बेहतर अंदाज में पेश किए जाने चाहिए। लेकिन अगर दूसरी जमातों ने, अगर उन जमातों ने नहीं किया, तो ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी भी हुकूमतें रही, हमने वो इदारे वापस नहीं किए। मैं बहुत एक लंबी एक लिस्ट है उन इदारों की जो बहुत लंबा अरसा इस बात पर स्ट्रगल रही। आपको क्या लगता है कि अभी तक अगर ये मसाइल, और ये बुनियादी मसाइल हैं, अगर अभी तक ये मसाइल पार्टी प्लेटफॉर्म पर एड्रेस नहीं हो सके, अगर इदारों की वापसी का मामला हो, इदारों में जो हमारी मसीही आबादियां हैं उसमें बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मामला हो, कहाँ पर आपको लगता है हमारे ख्याल में ये डिस्कनेक्ट, जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये वोटर और कैंडिडेट के दरमियान है, जिसको कैंडिडेट को वोट दिया जाता है। हमारी एक और भी ये भी सवाल चूंकि बहुत ज्यादा कम्युनिटी में है कि हमारा नुमाइंदा जो है, हमें नुमाइंदा चुनने का हक दिया जाए, हमारा नुमाइंदा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, और वो समझता है, वोटर समझता है कि हमारा नुमाइंदा तो वो है जो मसीही, जिसको रिजर्व सीट पे टिकट मिला है। इस डिस्कनेक्ट में मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सारी जमातें इस बात में जिम्मेदार हैं, और ये सवाल लोगों के बिहाफ पे कि ये जो डिस्कनेक्ट है कि वोटर ये बीच में एक पर्दा है या बीच में एक शख्स है, वो काउंसलर हो सकता है, वो रिजर्व सीट पे आया, MNMPA हो सकता है जिसके जरिए, वो पादरी हो सकता है, वो कोई NGO का नुमाइंदा हो सकता है, वो कोई सोशल वर्कर हो सकता है जिसके जरिए कैंडिडेट वोटर तक एक्सेस हासिल करता है। क्या वजह है कि मसीही खासतौर पर वोटर्स, जो कि एक बड़ा नंबर है पंजाब में, नून लीग की बहुत तवातर से हुकूमत रही है, बहुत सारे लोगों को रिजर्व सीट पर मौका मिला है काम करने का, लेकिन जो वोटर का डिसकंटेंटमेंट है, अभी भी जो डेटा है उसमें PMLN का बड़ा नंबर है, कोई 74% लोग PMLN के हामी है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा एतराज है कि हमने आज तक कैंडिडेट की या तो शक्ल नहीं देखी, या कैंडिडेट अगर आ जाता है तो मुड़ के वापस नहीं आता। जो कैंपेन है हमारी मेरा वोट पिकने के लिए नहीं, उसकी इसका रैशनल यही है कि जो वोटर के एंड पे वो वोटर कहता है कि 5 साल हमने वोट के बाद शक्ल तो देखी नहीं है,
तो हम इससे पैसे लेके 5 दिन की अपनी रोटी तो पूरी करें। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर आप PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये जो डिसकंटेंटमेंट है, ये जो लोग मुतमईन नहीं है इस निज़ाम से, ये एतमाद कि जो जिस कैंडिडेट को आप, जिस हल्के के वोटर के कैंडिडेट हैं, उसी हल्के में आप नुमाइंदे हैं उनके, इसके लिए मैं या कामरान माइकल साहब या जो भी एक्स वाई जेड जो भी रिजर्व सीट पे आता है वो एक एडिशनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे है। असल नुमाइंदगी आपके पास ये अख्तियार है जिसको मैंने वोट दिया है, और जवाबदेही भी मुझे आपसे लेनी चाहिए, बजाय इसके कि बीच में एक काउंसलर के जरिए, एक किसी MNMP के जरिए, क्योंकि मेरा रास्ता अगर अदात आरट से होगा तो मेरी स्ट्रेंथ इसमें है एज ए वोटर। अगर मैं देखूँ जो वोटर्स की है, तो आपको लगता है कि इस कैंपेन के जरिए, इस काम के जरिए आपकी जो गैर रवायती सियासी नजरिया है, क्या हमें भी कुछ इसमें मदद मिलेगी? इस मैं हम बड़े शौक से ना इलेक्शन से पहले दफातर खोलते हैं, हर गली में दफ्तर खुला होता है, क्योंकि हमें कैंपेन की जरूरत होती है, वोटों की जरूरत होती है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है और हम जीत जाते हैं तो हम दफातर बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं ये रिवायत चेंज करना चाहता हूँ कि मैं एक अपना दफ्तर बाहर कॉलोनी के अंदर इलेक्शन के बाद ही खोलना चाहता हूँ। उसकी वजह देखिए, आपका एक कोऑर्डिनेटर, आपका एक नुमाइंदा यहाँ बैठा हो, एक डायरेक्ट रब्ता हो, मसले मसाइल, खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट किस लिए था जो खत्म हो गया? ट्रेडिशनल चीज थी कि खुली कचहरी होती थी, लोग आते थे, अपने मसाइल बयान करते थे, इसीलिए दफातर की जरूरत है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रब्ता MNA के साथ रहे। और मतलब इतने लोग यहाँ बैठे हैं जिनसे मेरा व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता है, फोन पे रब्ता है, और मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि कोई आए चल के बैठे, मैं उसका फोन करूँ फिर उसके बाद उसको बताऊं। मैं तो कहता हूँ आप मुझे मसला व्हाट्सएप पे बताएं, हल भी व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस रिवायत को भी चेंज करना है और लोगों को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देनी है। लोगों को एक डिसबिलीफ है, डिसकंटेंटमेंट भी है, डिसबिलीफ भी है, लोगों को यकीन नहीं है कि ये बंदा यहाँ से इलेक्ट होकर दोबारा इस इलाके में घुसेगा। उनका ख्याल है कि ये हमेशा की तरह होता है, इलेक्ट हो जाते हैं फिर वापस कोई नहीं आता। मैं इस रिवायत को भी चेंज करना चाहता हूं कि कांस्टेंट ऑफिस, वर्किंग ऑफिस यहां पे हो, जिसके अंदर मसले मसाइल लोगों के डिस्कस हो, लोगों को, लोग आके अपने मसाइल बताएं, उसका हल बताया जाए। तो मैं तो इस रिवायत को चेंज करने आया हूँ, और चेंज करना जानता भी हूँ, चाहता भी हूँ। तो मैं चाहूंगा कि एक डायरेक्ट रबते का मैकेनिज्म आप बनाए। मैं तो बल्कि कॉल सेंटर एंगेज करने का सोच रहा हूँ कि जो हमारे फाल लोग हैं उनको खुद कॉल जाए, कॉल सेंटर मौजूद हो, पूछे कि जी आज की क्या प्रोग्रेस है, क्या मसला मसाइल है, हमें बताएं। और एक नंबर अवेलेबल हो कि जिस नंबर पे आप अपनी लॉग करवा लें कंप्लेंट, एक डेटाबेस हो जिसके अंदर पता हो कि ये लॉग इन हो रही है और उस कंप्लेंट को एड्रेस किया जा रहा है, कंसर्न महकमे को चली गई, ये स्टेटस अपडेट हो जाए। तो मैं तो टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय करना चाहता हूँ इस सारे मैकेनिज्म के अंदर, और कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है। जितनी टेक्नोलॉजी आप ज्यादा लेके आएंगे उतनी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंट भी होगी, बेहतर भी होगी, इफेक्टिव भी होगी, कॉम्पिटेंट भी होगी। तो मैं तो इस माइंडसेट के साथ हूँ। और देखिए, जो आपने बात की, बिल्कुल किसी जमाने में जब मसीही सीटों पे इलेक्शन होते थे, शमून कैसर भट्टी साहब MP हुए हैं खानेवाल से, वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आए थे, और वो पूरे पंजाब में मसीहों की एक सीट होती थी या दो सीटें, तीन सीटें होती थी, तो आप वोट देते थे मसीहों की लिस्ट को, नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला, नंबर 4 वाला MP इलेक्ट होता था पूरे पंजाब से, पूरा पंजाब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। वो भी एक सिस्टम था जिसमें वो ज्यादा जवाबदेह थे। अब तो चले जो माइनॉरिटी सीट पे आया है वो बाहर कॉलोनी कॉन्स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसने बाहर कॉलोनी से वोट नहीं लिए, वो फ्रांसिस कॉलोनी को, मरियम कॉलोनी कॉन्स्टेबल नहीं है, वो कीरा कॉन्स्टेबल नहीं है। वो आंसरेबल करने का फिर तरीका ये था कि डायरेक्ट इलेक्शन, मेरे जाती राय में वो एक बेहतर निजाम था जहां पे आप जवाब दे भी हैं। अभी क्या होता है कि आप क्रिश्चियन मेंबर्स को जो फंड मिलते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की तरह ट्रांसफर कर देते हैं, तुसी लै लो जी, सानू लोड नहीं है, असी किथे लावांगे, लड़ाई पेगी। तो ये चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। और अगर हम आपकी मदद के साथ क्रिश्चियन आबादियां मैप कर लें पूरे पंजाब की, आपके पास होंगी, हमें बेहतर एक्सेस मिलेगा कि हम उन नुमाइंदों तक मसाइल पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। उनको पता होगा कि कल को मैंने वोट लेने जाना है, मतलब जब भी बाई इलेक्शन आते हैं तो हम ढूंढते हैं कि यार मैरी गिल को बुला लें, कामरान माइकल को बुला लें,
खलील तारिक सिद्धू को बुला लें, शकील आइवन को बुला लें, तो भाई जब जरूरत पड़ती बुलाते हो, जब जरूरत खत्म हो जाती तब क्यों नहीं पूछते। अब ये सवाल यहां से आना चाहिए, ये सवाल मैं खुद पुट कर रहा हूँ, लेकिन खुद एहतसाबी जो है या एतराफ जुर्म जो है वो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मैपिंग भी हो और हम एक मैकेनिज्म ऐसा बनाए जहां पे क्रिश्चियन आबादियों के लोगों के मसाइल उन मेंबर्स को बुलाए और नेशनल असेंबली में इसको रेज करें। और मैं अगर नेशनल असेंबली में गया तो ये मैं वादा जरूर करता हूँ कि जहां जहां क्रिश्चियन बैठे हैं और आप मुझे कहेंगी तो मैं वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस उनको एड्रेस किया करूंगा कि ये साहिवाल से इमरान शाह वली साहब है, आपकी क्रिश्चियन आबादी इस्लाम में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने मुझे बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तो मैं तो जिन्हें अपने हल्का तो बहुत एक और स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है कि आपकी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होती है, मैं तो पूरे पंजाब में इस कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहता हूँ। चलेंगे तो कुछ अच्छी खबर है, कम से कम ये डिस्कनेक्ट है इस पर हम कोई गुफ्तगू तो कर सकते हैं। ये वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल यहाँ से भी हैं, बस एक फॉलो अप जो क्वेश्चन था मैं चाहूंगी कि ऑडियंस में से जवाब आए। एक आखिरी जो चीज जो मेरे एंड से, सिर्फ जो नौजवान है, एक मसीह नौजवान, उसके लिए आपके पास क्या ऑफर करने को है, जो कि बाकी मैं जाती मेरी राय कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक नौजवान जिसको लगता है कि मेरा सबसे बड़ा मसला मेरी शनाख्त है, मुझे चूड़ा क्यों कहते हैं, मुझे मेरे साथ अछूत वाला सलूक क्यों करते हैं, मेरे लिए सिर्फ सफाई ही की नौकरी क्यों है, क्यों मैं किसी और जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करता, मैं टेलीफोन ऑपरेटर भी हो सकता हूँ, मैं ड्राइवर भी हो सकता हूँ, मैं पाइप फिटर भी हो सकता हूँ, मेरे लिए क्यों ये मुख्तस है और ये क्रेडिट जाता है भारत या एमएलएन की गवर्नमेंट को कि ये 2015 में मेरे कलीग बैठे आसिफ हकीम साहब जो भी मामला रेज किया है जिसमें हेल्थ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके सर्विस रूल्स में ये शिक है कि सिर्फ जो सफाई के पेशे पर सिर्फ नॉन मुस्लिम और या माइनॉरिटीज के अकोमोडेट किए जाएंगे, और वो नॉन मुस्लिम से कतई मुराद पारसी नहीं है, बिहाई नहीं है, सिख नहीं है, वो खालिस्तन मुराद जो है मसीही है। तो ये जो टैग है, और दूसरी एक इसी से चूंकि शनाख्त का मामला है, हम ये बात बड़ी वाजह तौर पर कहते हैं, जो एक एक और बहुत बड़ा धब्बा जो जिसको कम्युनिटी समझती है, और उसका भी बड़ी आसानी से मैं कह सकती हूँ कि क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है कि उन्होंने खुद तो वो पीते थे, बड़ा बर्मला उसका इजहार करते थे, और वो शराब के परमिट हमारे नाम पे रिलीजियस पर्पजेस पे उन्होंने आइन में डाल दी कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए नॉन मुस्लिम्स को हम शराब के परमिट देंगे। तो ये दो बातें जो हमारा आज का नौजवान है, मंशियात का जो यहाँ पे सूरत हाल है मसीही आबादियों में, ये सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए खास तौर पे जो नौजवान या फर्स्ट टाइमर वोटर है, उसके लिए क्या पार्टी की तरफ से, पार्टी के मंशूर में, या आपकी अपनी जो सोच है उसमें कोई आपके पास कोई जवाब है, या कोई आपका प्लान है कि एक नौजवान की बाइज्जत शनाख्त और उसके बाइज्जत रोजगार के लिए जिसमें वो क्वालिफाई करता हो, उसके पास तालीम के मौके हों, उसके पास बेहतर रोजगार के मौके हों, जिससे वो समझ सके कि आप उसकी उसके मसाइल को बेहतर तौर पर समझते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा एक सवाल है। देखिए हमारी जर्नी गवर्नमेंट आई है तो मेरिट के ऊपर भर्तियां की गई हैं, एजुकेटर्स की भर्तियों से शुरू हो जाए, लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, मेरिट स्कॉलरशिप देख रहे हैं, पी स्कॉलरशिप देख रहे हैं, पेफ के स्कूल देख रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कि वहां पे कोटा उस तरह का नहीं है कि किसी को फेवर दी जा रही हो। कि कोई जमाना था सियासी भर्तियां होती थी, सियासी स्कॉलरशिप दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब के दौर में हर नौजवान भी हक हासिल है, जो पोजिशन होल्डर होगा वो तंदूर पे रोटियां लगाने वाला बच्चा हो, वो किसी मसीह बरादरी से ताल्लुक रखता हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जो पोजीशन लेगा उसको इज्जत मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बड़ा मौका मिला है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक सिस्टम हम लेके आए हैं और इसको फरोग भी देंगे। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि मसीही नौजवानों के लिए एक देखिए माइंड सेट चेंज करने की बात है। आपने ये जॉब्स की बात की कि जो सुअरमैन होता है या स्वीपर होता है उसके लिए क्यों मुख्तस किया जाता है कि नॉन मुस्लिम का कोटा होगा, और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, बाकी कोई उस पर अंडरस्टूड सी बात है जो कि गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज तब होती है जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तब इक्वल अपॉर्चुनिटी काम आती है। जहां पे आपने एक तबका पिसा हुआ हो और कई दहाइयों पर मुहित को पिसा हुआ हो तो उसको आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट देना पड़ेगा, थोड़ा पुश देना पड़ेगा।
तो मैं समझता हूँ कि हमें जहां जहां उन नौजवानों के लिए कोई कोटा कर सके, चाहे वो एडमिशन के अंदर हो, वो जॉब्स के अंदर हो, कि जो बेहतर जॉब्स हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, कहां कहां पे क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं बेहतर तालीम के लिए, बेहतर रोजगार के लिए और आगे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए। तालीम में बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, इज्जतदार रोजगार के लिए बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं और उस पर तफसील से बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पोटेंशियल है। आप में से बहुत सारे लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और बरादरी, मसीही बरादरी ने बड़ी तरक्की भी की है, ऑन इट्स ओन की है। तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग हो, थोड़ा सा बेहतर मौका मिले कि जो मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं वहां पे हमें आने का मौका मिले, तो आई थिंक हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर मौका मिलता है तो सरकारी जॉब्स के अंदर भी अच्छी जॉब्स का भी कोटा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि हमें किसी तरह रोजगार दे। अभी मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, माइक्रोफोन्स हैं हमारे पास, अभी आपके पास मौका है अपने उम्मीदवार के साथ सवाल, लेकिन रूल उसमें बहुत वाजे है। पहली बात, आपका जो सवाल कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सवाल पूछने का जो तरीका है वो इंश्योर करें आप सबसे सख्त सवाल करें। आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है तो आप जरूर करें। हमारे मसले बेसिक नीड में है और आई एम रिटायर्ड गर्ल स्टेट ऑफिसर, दिस इज माय जॉब ऑन रिटायरमेंट, जबकि मेरे दिन है कि मैं आराम स्कूल के साथ रहूं और बेसिक जो है यानी कि गवर्नमेंट का है ताकि वो हमें बेसिक नीड हमारे घर तक पहुंच जाए। ये कोई बात नहीं है कि हम बूढ़े होकर रिटायर्ड होकर धक्के खा रहे हैं सड़कों पर। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कुछ ख्याल करें बाहर खुद आपको कामयाब करें। मैं 2013 के इलेक्शन में गया तो हमारी ना बैसीयत कौम शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इनको याद नहीं होगा जब 18 घंटे बिजली जाती, किसी को याद नहीं 18 घंटे बिजली की। मैं अप्रैस करता हूँ 18 घंटे लोड शेडिंग थी, गर्मियों में बंदा हालो बेहाल हो जाता था, बच्चे रात को लाल टहरे लगा के पढ़ते थे, जिसमें आपने ये उठाया हुआ सिलेंडर लाल टहरे लोग लेके आते थे और गर्मी में पंखा नहीं चलता था, हाथ से अखबार से या किसी रिसाले से अपने आप को हवा देते थे। तो 13 के इलेक्शन में इसी तरह आपकी तरह एक साहब आए, उन्होंने कहा जी बिजली नहीं होनी चाहिए, 18 घंटे लोड शेडिंग ऐसा की बनेगा, असी दलील हो गए हैं, अखबार हो गए हैं, ऐसा कौन खात्मा करेगा। असी 2013 का इलेक्शन लड़िया कि जी सी लोड शेडिंग खत्म करांगे और लोड शेडिंग असी किसी की थी, वो पीपल्स पार्टी ने की थी 2008-13। मैं 2013 च जिथे गया मैं कहती असी लोड शेडिंग का खात्मा करांगे, 4 साल लगे, 18 तो उन्होंने जीरो से लैके आए, साड़ी गवर्नमेंट लैके ना नवाज शरीफ साहब लैके हूँ। मैं जानना मैं सिर्फ तुहाडा मसला नहीं है, मैं जिथे जिथे गया वहां ना तुहाडी कॉलोनी का मसला है, जिथे जिथे गया वहां ना कहीं गैस नहीं आती, जिस तरह पहले कहते बिजली नहीं आती हूँ कहते हैं गैस नहीं आती। मैं हूं भी कहना वा नवाज शरीफ आया सी बिजली आई सी, नवाज शरीफ आएगा गैस आएगी, बड़ी बड़ी गल है। देखो पिछले 5 साल साड़ी हुकूमत नहीं सी, असी तो बड़ा हसता मसता पाकिस्तान छड़ के गए सन, साढ़े पाकिस्तान 63 रुपए पेट्रोल से, 12 रुपए यूनिट बिजली से, साढ़े पाकिस्तान 52 रुपए चीनी से, 35 रुपए आटा से, चेक कर लो। अब ये चीजें जब इतनी सस्ती थी और गैस आती भी थी और सस्ती भी थी, तो ये पिछले 5 साल जिनकी हुकूमत रही है, जिन्होंने तबाही उतारी इस मुल्क की, जिम्मेदार हुआ है, हमेशा दूसरों ने बिगाड़ा है हमने संवारा है, तो ये हमने ठीक करना बहुत चाहते हैं। वासा को सुपरवाइज करना उस अथॉरिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी होगी, तो मैं समझता हूँ मामला बेहतर होंगे। मेरा ये मिशन है, इसको हम मुकम्मल करेंगे। जी।
अस्सलामुअलैकुम उताब भाई, मैं इस हफ्ते में क्रिकेट कोच हूँ और इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में चार क्लब हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से एक जो क्लब है वो लोकल लोगों का है, बाकी तीन क्लब जो है वो इस हल्के में लोग नहीं रहते जो रन कर रहे हैं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप जो माइनॉरिटीज हैं या क्रिश्चियन हैं इस हल्के में, उनके लिए ख्वाजा नदीम साहब को रिक्वेस्ट कर सकें कि वो हमें भी एक पिच पर प्रैक्टिस करने की शाम को इजाजत दे दें, क्योंकि बाजी आगे बड़ी हो जाएगा। मैं ख्वाजा नदीम साहब से भी बात करता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि ओपन बात कर लें, ओपन माइक है तो ओपन बात कर लें। मेरी आदत है कि मसले को ना मौके पे हल किया जाए जो हो सकता है। जी साहब, सलाम, तो मैं इतने बाहर को नहीं बैठा जी, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों ना बहुत रिक्वेस्ट है कि इन्हों ग्राउंड पिच नहीं दी जाती प्रैक्टिस करने वास्ते, तो मैं थोड़ा कॉन्टैक्ट डिटेल भेज देंगा, तुम मेहरबानी करो। और एक दो बारी होर भी लोगों ने किया है कि इतने ना बहुत ज्यादा तजद्दुद का शिकार ने कि बाकी आउटसाइड के लोग आके खेलते हैं, सानू मौका नहीं मिलता, ते मेहरबानी करके इन्हां नूं शाम नूं ग्रुप विच अवेलेबल हो जाए करे प्रैक्टिस वास्ते, की बहुत शुक्रिया। हो जाती जी इंशाल्लाह, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल लेके आपकी इशू कर लेता हूं, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल इनकी ले लेंगे, मैसेज कर देना। इमरान तारिक साहब आइए। मेरा सवाल जो है बाकी सब इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फर्क नोयत क्या है और संगीन भी है सवाल, मसला भी संगीन है। हम इंटरफेथ हार्मनी का वीक भी मना रहे हैं और आपने खुद भी अभी बात की इंटरफेथ हार्मनी की कोशिशों की। मेरा सवाल ये है कि जिस माशरे में और खासतौर पर खवातीन के और बल्कि खवातीन भी माइनर बच्चियों के दर्द को महसूस करते हुए उनकी माओं को, अगर जबरी तब्दीली मजहब का इशू जारी रहेगा तो किस तरह से फिर हम सोच सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि इंटरफेथ हार्मनी जो है दैट विल मूव फॉरवर्ड। मुझे बड़ा मुश्किल सी ये कॉम्बिनेशन जो है लग रहा होता है सोचते हुए कि वो बच्ची जिसकी उम्र 10 12 15 16 ठीक है 13 साल है और उसकी जिंदगी बहुत कम चांस होता है कि वो बच्चियां वापस आती हैं अपने खानदान में, और आ भी जाए तो फिर भी जो है टू बी ऑनेस्ट जान के लाले पड़े होते हैं ठीक बात खानदान को भी। लेजिस्लेशन आई सिंध में, बड़े प्रोग्रेसिव काम हुआ, उन्होंने लेजिस्लेशन स्टेबल की, वो ठीक है, बैकलैश हुआ, नहीं साइन हुआ, वापस हो गया। पंजाब में जो है या नून लीग जो है उसके मैनिफेस्टो में मजहबी आजादी के तहफ्फुज़ के लिए और खासतौर पर जो अकलियती खवातीन हैं जिनकी मजहबी आजादी, जिनकी सेहत, जिनकी तालीम, जिनके सोसाइटल स्टेटस सब कुछ जबरी तब्दीली मजहब की वजह से खराब हो रहा है, तो इस पे आपकी पार्टी और आप एज ए कैंडिडेट जो है आप क्या सोचते हैं, क्या आपके पास एजेंडा क्या है, किस तरह से आप उसको इंश्योर करेंगे कि ये चीजें ना हो। बहुत शुक्रिया जी। देखिए सबसे पहली बात है अवेयरनेस। आईने पाकिस्तान ने आजादी मजहब की राइट को इंश्योर किया, सबको वो राइट दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि जब ये राइट दिया गया है तो इसको राइट को प्रोटेक्ट करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने माइंडसेट को चेंज करना। देखिए मैं सबसे पहले मैं आया इस हल्के में, मैंने बात की कि मुझे लफ्ज माइनॉरिटी के ऊपर इतराज है, क्यों कि माइनॉरिटी या अकलियत एक नेगेटिव कॉनोटेशन का लफ्ज है, वो एक मनफी असर का लफ्ज है, वो पॉजिटिव लफ्ज नहीं है। और ये इसलिए इस वर्ड को मैंने सोचा कि ये कहां से आया, गालिबन किसी बापू ने 1947 में सोचा होगा कि मेजोरिटी है तो एक माइनॉरिटी भी होनी चाहिए, जब झंडे में सफेद रंग हमारा है और हमें वहां नुमाइंदगी हासिल है तो फिर माइनॉरिटी का लफ्ज क्यों है। तो जो इन्फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं और जबरी तब्दीले मजहब है, इस पे मैं समझता हूं कि हमें देखिए अमल दरामद की बात है, ये कानून साजियां बड़ी बेहतरीन हो जाती हैं, अमल दरामद जीरो होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरफेथ हार्मनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए, जो हर कम्युनिटी के कर्ता धर्ता लोग हैं, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कर गए और डिप्टी कमिश्नर को इसका हेड बना गए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इसको बैकिंग दे गए कि जी आपने इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिले के लेवल पे मौजूद होगी और चीफ मिनिस्टर उसको नोटिफाई करें, और जब आपस में वो बैठेंगे ना और उसके TORs अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे बन जाए जिसमें इसके रोकथाम के लिए पीनलाइज भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये राइट है टू पीनलाइज,
तो फिर ये इशू खत्म हो जाएगा। मगर इसको ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेकअप करना पड़ेगा, और ना सिर्फ टेकअप करना पड़ेगा, एक अफेक्टिव पैकिंग के साथ टेकअप करना पड़ेगा। कानून साजी पड़ी रहती है, अमल दरामद नहीं होता। मैंने ये देखा है कि आप जब इंतजामिया को हरकत में लाते हैं, बिगड़े तिगड़े भी जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इज द वे टू गो। काम करने पर मजबूर है और हमारी नौकरी आज तक रेगुलर नहीं हुई, तो इसके ऊपर आप जरा प्लीज बताए कि अगर गवर्नमेंट बन जाती है, अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है, तो क्या हमारी जो नौकरी है वो गैर यकीनी सूरत हाल से निकल कर रेगुलर पोजीशन में आ जाएगी, हम रेगुलर हो जाएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा मसला है। वासा में भी वर्क चार्ज का मैं मसला पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, जो वर्क चार्ज पे वो चली आ रहे हैं उसी तरह पक्के नहीं हो रहे। सेम विद एलडब्ल्यूएफसी, एलडब्ल्यूएफसी हालांकि एक कंपनी है और वासा जो है वो एक एजेंसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला ये होता है कि फाइनेंस वालों का प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं हमने पक्का कर दिया हमें पेंशन देनी पड़ेगी, हमें सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और ये मामला हमारा फाइनेंशियल बर्डन हम बेयर नहीं कर सकेंगे। इस मामले को देख लेते हैं, तादाद कितनी है, कितने लोग हैं, और उस वो प्रोसीजर कहां फंसा हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि आगे इस मसले को इंशाल्लाह ताला हल किया जाए। अता भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या बेसिकल तो बुरे वाले तो रहने वाला हो, तो देखिए सही जॉब करो बतौर मैं बतौर ड्राइवर इधर जॉब कर रहा हूँ। मेरी आपसे आज दरख्वास्त ये है कि ये जो नाला गुजर रहा है, इस नाले में से जो सफाई करने वाले लोग हैं, गलियों में से लोग कूड़ा इसमें फेंकते हैं, वो जो घरों वाले हैं बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े उठा के लेके आते हैं, उसमें फेंक देते हैं। जब हम भर जाता है ना वो नाला, तो वो क्रेन आती है उसको सफाई करने के लिए। मेरी दरख्वास्त ये है कि ये वासा वाले जो भी इनके इंतजामिया है, इनको पर ये जो इसको अच्छे तरीके से देखे, उसे नंबर पे ये जो मंगाई का इशू 11 है, दिन पर दिन मंगाई ये आपकी मेहरबानी है। एक तो ये है मामला, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये अगर कोई मसीही आबादी से जुड़ा कोई मामला है, महंगाई हम सबका मामला है। तो आपने एक सवाल हो गया, अदा भाई ने भी बहुत परेशानी जी जी सबको परेशानी जो ट्रेन है ना जी, इसी हवाले से सबका कहूंगा कि जिस तरह समनाबाद में एनओएफ ट्रेन को कवर किया गया है, इसको भी कवर किया जाना चाहिए, तो उसमें काम करें। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई मसीही मसीही मसले से मुताल्लिक कोई बात करना चाहता है, और मेरा ख्याल है अता भाई की बात बिल्कुल ठीक है, बाजी जोशी से सवाल भी करना। हाँ जी, बाजी जोशी का तो बनता भी नहीं है, जो वोटर है जी जी को खुद करना चाहिए था। जी जी जी, ये एक सवाल, लेकिन आखिरी सवाल, और इसके बाद हम फिर इख्तिताम की तरफ जाएंगे। उसने सुबह 9:30 मुझे कॉल की, कहते जी आज टीम आ जाएगी, आज मैं एकदम मंडे को आई ना। मैंने ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, तो किस तरह उनकी पॉकेट्स है वो उल्टी करके उनके पर्स की टोटली तलाशी, मोबाइल के उसमें जा रहा होता, तो उनकी ऐसे खड़ी करके ऐसे तलाशी लेते जैसे वो जुर्म कर रहा है। इस पे इसकी तदारक के लिए मैं चाहूंगा कि हम, जिस तरह मैंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बात की ना, यहाँ पे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग डोमिनेट करेंगे, ताकि देखें जो इज्जतदार शख्स है काम पे जा रहा है उसका तहफ्फुज़ हो सके, और एक पहचान हो जाए कि जी ये लोग रोज आते हैं रोज जाते हैं, और उनको पता हो कि जी यहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक मकामी कमेटी बनाएंगे, पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसका रब्ता करवाएंगे कि नाका जो लगे वो ऐसे लोगों का लगे जो जानते हो और उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो,
सिर्फ उन लोगों को रोका जाए जो मशकूक लोग इस एरिए में आने की कोशिश करें। आखिरी एक जो बात है, क्या जहां वाला जैसे वाकयात में अगर आपकी हुकूमत आती है, क्या हमको इंसाफ की तवक्को रखें? जी बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि इसके अदालत के लिए मैं बल्कि आपको ये जिम्मेदारी दूंगा कि आप उस पर गाइड करें और हम अवेयरनेस के साथ, टॉलरेंस के साथ ऐसे मामलों को टैकल करने में अपना किरदार अदा करेंगे और आपकी मदद से करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।